देखिए, जो सद्गुरुओं की चेतना के माध्यम से काम हो रहे हैं उनके बारे में तो आप जानते भी नहीं, उनका कहीं विज्ञापन भी नहीं निकलता, उनके कहीं टेस्टिमोनियल भी नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे काम करने वाले मिल जाएंगे जो बहुत गहरे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतने निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अपनी अंतः प्रेरणा से कर रहे हैं कि उनको किसी बाहरी लाभ से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी समाज की हालत क्या है कि जो लोग प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं उन्हीं की सेवा दिखाई देती है, और बहुत सारे वो लोग जो बहुत ही सब्सटेंशियल काम कर रहे हैं, बहुत ही फंडामेंटल आधारभूत सेवा कार्य कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देंगे। और सेवा कार्य का गहरा तल यही लें कि सक्षम स्थितियों को पैदा करना, जल्दी से जल्दी सक्षम स्थितियों को पैदा करना। अब जैसे देखा जाए कि आप बीमारों की सेवा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज को जल्दी से जल्दी उस तल तक लाना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स क्रिएट कर सकें जहां उनको चिकित्सा मिल सके, बजाय इसके कि हम एक एक व्यक्ति को जाएं और उसको थोड़ी चिकित्सा दें, कहीं दवा बांटें। बहुत सारे लोगों को कहीं वो मिल ही नहीं पाती सुविधा, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्थाएँ बनाएँ जहाँ लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, ऐसे काम करें जिसमें लोगों को बहुत सारा व्यवसाय मिले। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी सेवा ही कर रहे हैं लोग जो ऐसा कर रहे हैं। अब उनको कोई देखेगा तो लगेगा ये पता नहीं सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो बड़ी स्थूल छोटे तल पर लोगों को दिखाई देती है, व्यापक उसका तल करना है और अपनी अंतः प्रेरणा से चलना है। ये आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं, मैं इसको बार बार कहता हूँ, जो लोग इस मामले में रस लेने वाले हो जाते हैं, जब वो खाना लेके किसी गरीब को खिलाने निकलते हैं, तो कल्पना करो उस दिन उनको कोई गरीब ना मिले तो उनको निराशा होती है। उनको खुशी होनी चाहिए, कोई नहीं मिला तुम्हारा खाना लेने वाला, इतना भूखा था ही नहीं कोई। तो एक उनका विचार कि कहीं हम कोई गरीब वो खाना खिलाएं, तो वो गरीब को कहीं पैदा करने का काम भी कर रहा है। हाँ, ये विचार का एक दुष्चक्र है, ये विचार का एक दुष्चक्र है, इसको समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक तल पर इस दुष्चक्र से बाहर आना पड़ेगा। और हम भोजन की व्यवस्थाएं पैदा करें, हम लोगों के अंदर इतनी करुणा पैदा करें। अब देखो, अगर देखा जाए अर्थशास्त्र के तल पर भी, भोजन की कमी से लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है इसलिए लोगों को भोजन नहीं, भोजन की तो प्रचुरता है, व्यवस्था की खामी है। कितना भोजन हम नष्ट कर देते हैं, कितनी चीज़ें हम समाप्त कर देते हैं। तो मुझे लगता है क्यों नहीं उन चंद लोगों को समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनके मनस का परिवर्तन किया जाए जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। और अगर वो रास्ते खुलें, वो दरवाजे खुलें, तो ये गरीबी और ये भुखमरी हो ही ना कहीं पर, उसकी ज़रूरत क्या है। तो ऐसी सेवा में कई बार वो राजनेता और वो जो उसको बचाए रखने वाले लोग हैं वो भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उस व्यवस्था पर तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, और वो आई कहीं अलग से है। तो खाने की कमी नहीं है कहीं, वो पहुंच नहीं रहा ठीक तरह से लोगों तक। इन सब बातों पर सोचना भी ज़रूरी है। तो बस उठकर यही काम करना, और कभी तात्कालिक ज़रूरतें आएंगी तो वो बड़ा अच्छा काम होगा। जैसे कि आप टारगेटेड सेवा और तात्कालिक, आप निकल रहे हैं, अचानक कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, दिखती है, जिसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, परिस्थिति की मांग है, तो आप सहयोग करते हैं खुले दिल से। लेकिन जब आप परिस्थिति नहीं है अभी और आपके मन में एक परिस्थिति की परिकल्पना बन गई है, एक हाइपोथेसिस कि ऐसा होगा तो आप ऐसा करेंगे, तो आपने एक विचार पहले ही पैदा कर दिया, परिस्थिति को बनाने का विचार पैदा कर दिया आपने, तो कौन जाने कि आपका विचार सशक्त हो और परिस्थिति बन ही जाए। आपने बहुत सोचा था कि कोई अगर सड़क दुर्घटना का शिकार व्यक्ति होगा तो हम जाएंगे उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, और बड़ा भाव है आपका, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, और आप साधक हैं, आपकी ऊर्जा सशक्त है,
तो आपके उस सशक्त विचार से ही परिस्थिति पैदा हो जाए, कौन जानता है। कभी आकस्मिक आ जाए तो आप करें उसमें, लेकिन टारगेट मत बनाएं कि हम ऐसा करें। करुणा आधारभूत है। पहला तो हमें काम करना है, सबके अंदर करुणा को प्रवेश कराना है, कंपैशन महसूस करें। हमारी मांगें छोटी हैं ना, तो हम छोटी चीज़ें मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद्गुरु लोग कहाँ चिंता करते हैं इसकी। अब हम आज उसको जो यहाँ मिलता है, मैं उसको सेवा के फॉर्म में नहीं देखता, और उससे बड़ी चीज मुझे कोई दिखाई नहीं देती है। सेवा तो सवाल ही नहीं उठता है मेरे लिए। और आप एक छोटा किस्सा तीन चार साल पहले हम लोगों की वो बिल्डिंग एनिवर्सरी के आश्रम में बैठी हुई है, तो हमने कहा कि देखो ये तो हम लोग क्या करते हैं, गाँव में रहते हैं, चार पांच गरीब आदमियों को ढूंढ के उनको हम लोग खुद बैठा के खाना खिलाएंगे, शाम तक बैठे रहे तो गरीब आदमी मिलेंगे। तो हमने उनके साथ गरीब तो हम लोग बैठे रहे और फिर गरीब मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे कह रहा है आप ही खाना खा जाओ, अच्छा हुआ इसीलिए आप यहाँ आ गए। वो कहीं से धारा चल रही थी तो ये बहुत सुंदर हुआ कि कोई गरीब खाने के लिए नहीं मिला। लोग हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ी सुंदर बात है कि लोग इतने सेटिस्फाइड थे और उनका जो आत्मगौरव था इतना था कम से कम। तो ये आत्मगौरव का विषय, तो इस सेवा को स्थूल रूप में नहीं लाना, क्योंकि वो जैसे मैंने सूरज की बात कही, तो एक सद्गुरु तो चेतना के हमारे स्तर को ही ऊपर उठा दे रहा है। हम बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जा रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे अंदर के अंधेरे हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं। फिर बहुत कुछ होता है जीवन में, नए नए रास्ते, नई नई सृजनात्मकता, नई नई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकल्पनीय चीज़ें होती हैं। हमारी रिसेप्टिविटी भी ज़रूरी होनी चाहिए। और सद्गुरु तो देखिए ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, वो स्थान और समय के परे हो जाते हैं। अब हमारे टाउन में, शहर में, प्रदेश में, देश में पैदा हो गए तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ के हैं, वो तो यूनिवर्सल हैं, जागतिक हैं। वो क्यों हैं यहाँ पर, ये एक अलग विषय है। और फिर इसका एक दूसरा भी रोचक तथ्य है कि अगर ज़्यादा सद्गुरु कहीं पर हैं तो उनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। जैसे किसी एरिया में डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो बीमार ज़्यादा होंगे वहाँ पर। तो अगर कहीं पर सद्गुरु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ लोग बहुत सोए हुए हैं, इनको जगाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोग बहुत जागे हुए हैं तो वो आ रहे हैं, वो इतने सोए हुए हैं कि उनको आना पड़ता है और भीड़ के साथ आना पड़ता है। यहाँ तो बाहर तो कहीं इक्का दुक्का होता है, यहाँ तो एक ही जगह पर कितने हो जाते हैं। अब अगर सोचो लखनऊ शहर में ही अभी 20 बड़े बड़े हॉस्पिटल हों और बड़े बड़े यहाँ 100 चिकित्सक हों, तो अगर उनके प्रोफेशन के लिहाज से देखेंगे तो जब वो स्टडी करके यहाँ पर आए होंगे तो ये सबसे पोटेंशियल मार्केट उनके लिए होगा कि ये शहर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ ये हॉस्पिटल्स की बड़ी डिमांड है और इन चिकित्सकों की भी बड़ी डिमांड है, यानी कि यहाँ बीमार बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ 100 एक खास बीमारी के डॉक्टर हैं, मान लीजिए 50 हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो इस शहर में दिल के बीमार सबसे ज़्यादा हैं, इनको दिल की बीमारियाँ ज़्यादा हैं तो उनको आना पड़ रहा है। आप भी अपना कोई प्रोडक्ट जब कहीं ले जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए तो अपना प्रोडक्ट वहाँ डालते हैं कि ये यहाँ पर इसकी जो डिमांड है सबसे ज़्यादा है। डिमांड का मतलब उसकी स्कर्सिटी, उसकी कमी है वहाँ पर। जैसे आप पानी कहीं बेच रहे हैं
या पानी आप फ्री में बांटें, कोई अंतर नहीं पड़ता है इस बात से, लेकिन दोनों बातों का मतलब यही है कि वहाँ पानी की कमी है। पानी का टैंकर जा रहा है तो वहाँ पानी नहीं है, तभी पानी का टैंकर जा रहा है। तो सद्गुरु भी उसी पानी के टैंकर जैसे, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पानी नहीं है, इसीलिए जाना पड़ रहा है उनको ना। तो ये बड़े गौरव का विषय नहीं है कि इतने सद्गुरु हमारे यहाँ आते हैं, समस्या है इसीलिए आते हैं। और जहाँ समस्या नहीं है वो लोग उसको जल्दी कैच कर लेते हैं, उसको जल्दी समझ लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। रिसेप्टिविटी भी नीडेड है, बहुत जागरूकता भी ज़रूरी है, तो उनके अंतर पड़ेंगे। सौभाग्य का विषय ये हो सकता है कि अगर हम जागरूकता के साथ उनका उपयोग कर पाएँ तो बहुत क्रांति भी हो सकती है, बड़े रूपांतरण भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने देश में हर चीज़ को बहुत मंडेन लेवल पर, बहुत ही उथले तल पर खींच लाने की कोशिश करने लगे हैं। ये भी एक बहुत मैटरलिस्टिक पहलू है और उससे नुकसान भी बहुत है, उस वजह से नुकसान भी बहुत है। अब एक गुरु की भूमिका अगर देखिए तो कभी कभी हैरानी होती है कि उसका लोग हर तरह से उपयोग कर लेते, कोई ऐसी चीज़ नहीं बाकी होती जिसमें उस गुरु का उपयोग ना कर लें। काउंसलिंग, हीलिंग और गाइडेंस तो है ही, फिर अब ये सेवा और ये सब फीचर्स भी एडेड हैं, इंटरटेनमेंट। अगर आप सारे फीचर्स देखें तो लोग हर तरह से उनका उपयोग करना चाहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कुछ बातें तो खुद ही समझ लेनी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी बातों को भी समझने के लिए हमें बड़े बड़े सद्गुरुओं की ज़रूरत पड़े तो ये उचित नहीं है। ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। हमें सोच, अगर किसी ने आपको अंतः प्रेरणा दी है तो आप छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही समझ लेते हैं, उसके लिए उसकी ज़रूरत थोड़े कि आपको हर बात समझाएं। उसने तो आपको दिशा दी, अब आप चल रहे हैं अपने पैरों पर। तो ये हमारी केवल एक कमजोरी है, उस पर ध्यान देना है और उससे अंतर पड़ेगा अगर धीरे धीरे ये चैलेंज हम लेना शुरू कर देंगे। और आसपास के जो जगत की खामियां हैं उनसे बहुत प्रभावित होना बंद कर देंगे।